चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई हुई है, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी सीट ब्लॉकिंग हुई है। इतना जरूर हुआ है कि जिनके मार्क्स ठीक थे उनको सबसे अच्छा कॉलेज मिला है इस राउंड में, लेकिन जो डाउन मार्क्स वाले कैंडिडेट थे, जिनको सोच रहे थे कि कट ऑफ 608 या 607 तक आ जाएगी, ये 607 तक न आकर के 610 तक रही है, क्योंकि ये सीट ब्लॉकिंग के कारण हुआ है। पहले मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूं ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, फिर हम बात करते हैं कि सीट ब्लॉकिंग कैसे हुई है। तो एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ओपन कैटेगरी के 23,562 ऑल इंडिया रैंक वाले कैंडिडेट जिसके मार्क्स थे 610, उसको मणिपुर का चूड़ाचांदपुर मेडिकल कॉलेज मिला है, जो इस साल का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। ओपन पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 131 मार्क्स पर उत्तर प्रदेश का बस्ती मेडिकल कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस 25,005 रैंक जिसके 607 मार्क्स थे, डिंडीगल तमिलनाडु का मेडिकल कॉलेज मिला है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 23,575 रैंक जिसके 610 मार्क्स थे, जीएमईआरएस गुजरात का पोरबंदर मेडिकल कॉलेज मिला है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,28,978 रैंक जिसके 480 मार्क्स थे, अंडमान निकोबार का कॉलेज मिला है। एसटी कैटेगरी 1,68,853 रैंक जिसके 445 मार्क्स थे, शिवगंगई मेडिकल कॉलेज मिला है। तो ये स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ है एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड की। एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड में और भी काफी सारी सीटें वैकेंट रहेंगी, क्योंकि इसमें सीट ब्लॉक हुई है। अभी वो कैसे ब्लॉक हुई है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ऑल इंडिया का रिजल्ट आज आया है, हरियाणा का रिजल्ट कल आ चुका था स्ट्रे का, राजस्थान की काउंसलिंग स्ट्रे की आज हो रही है, यूपी की चॉइस फिलिंग आज हो रही है, बिहार का अभी राउंड से मोपअप की चॉइस फिलिंग चल रही है, तो स्टेट का भी साथ साथ चल रहा है, स्टेट का स्ट्रे या फिर मोपअप साथ साथ चल रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट स्टेट में भी सीट ऑक्यूपाई कर रहे हैं और स्टेट में भी उन्होंने सीट अलॉट करवा ली है। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। जिन कैंडिडेट को अभी तक सीट नहीं मिली है वो दोनों जगह प्रयास करेगा अगर उसको मौका मिल रहा है तो, क्योंकि अभी तक उसको कहीं सीट मिली नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, गलती नियमों की है। इस कारण से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से ये सीट वैकेंट होके आएंगी और ये सीट ब्लॉक हो चुकी हैं। स्टेट के स्ट्रे में भी सीटें वैकेंट होके आएंगी और एमसीसी के स्ट्रे में भी सीटें वैकेंट हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एमसीसी का चॉइस फिलिंग का डेट 25 सितंबर था और हरियाणा का भी डेट 25 सितंबर था। दो जिन कैंडिडेट ने हरियाणा में भी एमसीसी में स्ट्रे में चॉइस फिल की है, कॉलेज उनको अलॉट हो गया है और उन कैंडिडेट्स को अभी यहां स्ट्रे में भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो उनको एक कॉलेज छोड़नी पड़ेगी। तो जरूरी है कि वो अच्छी कॉलेज ही लेंगे, अच्छी कॉलेज लेंगे तो एमसीसी का सीट छोड़ेंगे। हरियाणा में अच्छी कॉलेजें मिली हैं तो इस कारण से एक सीट तो जरूर यहां ब्लॉक होगी। तो एमसीसी में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी सीटें ब्लॉक होंगी और स्ट्रे में भी जो स्टेट का है उसमें भी सीटें ब्लॉक होंगी। तो ये रीजन रहा है कट ऑफ काफी हाई जाने का। मैं इसको हाई इसलिए मान रहा हूं क्योंकि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ 618 गई थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ गई थी 612, थर्ड राउंड में 611 और अभी स्ट्रे में 610 गई है, जबकि अगर ये सीट ब्लॉक नहीं होती तो ये 607 या 608 के नियर बाई कट ऑफ आ जाती। तो ये स्टूडेंट के साथ में, ये जो डाउन कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके साथ में ये थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, उनको सीट नहीं मिली है। लेकिन जो अच्छे मार्क्स के कैंडिडेट थे, जैसे 615 के थे, 620 के थे, 630 के थे, 40 के थे, इन कैंडिडेट्स को अच्छी अच्छी सीटें इस स्ट्रे में देखने को मिली हैं, यानी कि लोअर मार्क्स कैंडिडेट को भी टॉप कॉलेज यहां पर मिली हैं। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके बता दिया, कट ऑफ बता दिया है और सीट ब्लॉकिंग का ये ईयर रहा है। इस ईयर को मैं बोलूंगा कि ये सीट ब्लॉकिंग ईयर रहा है जिसमें स्टूडेंट को काफी नुकसान हुआ है। तो ये जानकारी थी
स्टे वैकेंसी राउंड के कट ऑफ के बारे में मिलेंगे नई अपडेट के बारे में नए वीडियो के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।